मॉर्निंग टॉप हेडलाइंस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले देश हेडलाइंस। कोरोना के साए में मनी होली, पीएम मोदी, राष्ट्रपति कोविंद सहित अन्य नेताओं ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। हमले में घायल बीजेपी वर्कर की मां ने तोड़ा दम, अमित शाह बोले, दीदी ये दर्द आपको परेशान करेगा, ममता का पलटवार, हाथरस पर क्यों खामोश रहते हैं। महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन की तैयारी, सीएम उद्धव ठाकरे ने अफसरों से कहा लॉकडाउन की स्ट्रेटजी बनाएं, एक ही दिन में 40,000 से ज्यादा केस आने से बड़ी चिंता। बाबा महाकाल से लेकर बांके बिहारी मंदिर तक अबीर गुलाल में रंगे भगवान और भक्त। नंदीग्राम में ममता बनर्जी बोली, मैं रॉयल बंगाल टाइगर, यूपी बिहार के गुंडों ने मुझ पर किया हमला। खुफिया रिपोर्ट में दावा, पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के दौरान हिंसा की साजिश रची गई, इसके लिए जमात इस्लामी ने फंडिंग की। जम्मू कश्मीर के सोपोर नगर परिषद ऑफिस में फायरिंग, एक पार्षद की मौत, एक घायल, एक पुलिसकर्मी शहीद। 80 साल के पवार को गोल ब्लडर में दिक्कत के चलते पेट दर्द की शिकायत, 31 मार्च को होगी एंडोस्कोपी और सर्जरी। महबूबा मुफ्ती बोली, सरकार ने पासपोर्ट देने से किया इनकार, देश के लिए मुझे बताया खतरा। किसानों को तोहफा, होली के तुरंत बाद मिलेगी पीएम किसान की 8वीं किस्त। विदेश हेडलाइंस। स्वेज नहर में 6 दिन से फंसा मालवाहक जहाज निकाला गया, अब तक $50,000 मिलियन से भी ज्यादा का हुआ नुकसान। खिसारा परेरा ने रचा इतिहास, बने 1 ओवर में 6 छक्के जड़ने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी। म्यांमार में सेना की बर्बरता, एयरफोर्स ने बॉर्डर से सटे गांव पर गिराए बम, जान बचाने के लिए लोग गुफाओं में छिपे, 3,000 से ज्यादा लोग डरकर थाईलैंड भागे। अमेरिका में हिंदी की धूम, यूएस नेवी अफसर ने गाया स्वदेश फिल्म का ये जो देश है तेरा गाना। भारतीय राजदूत ने कहा, ये वो बंधन है जो कभी नहीं टूट सकता। पाकिस्तान में रावलपिंडी में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर पर हमला, मामला दर्ज। अब बिहार हेडलाइन। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों के लिए चुनाव आयोग ने जारी किया फरमान। बिहार में कोरोना के दूसरी लहर ने बरपाया कहर, रोजाना बढ़ रहे केस के बीच रिकॉर्ड 351 नए संक्रमित मिले। मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में जहां विकास काम का बोर्ड लगा, वहां काम का नामो निशान नहीं, कैग की रिपोर्ट में खुला घोटाले का राज। सभी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की तारीख जारी, 1 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया होगी शुरू। अधिकारियों ने बिहार सरकार को लगाया करोड़ों का चूना, पत्नी के खाते में सरकारी पैसे डालता था बांका का कैशियर, गबन कर गया छात्रवृत्ति का 1.43 करोड़ रुपए। होली पर मटन चिकन दुकानों में उमड़ी भीड़, कई जगह दाम दोगुने फिर भी खरीद रहे लोग, पटना में 700 से 1000 तक बिका मटन। मुंगेर के तारापुर हाट बाजार में लगी आग, 100 से ज्यादा दुकानें जलकर राख। वैशाली जिले में होली के दिन बुझा घर का चिराग, 2 बच्चों की डूबने से मौत। मधुबनी में होली के दिन जमीन विवाद को लेकर गोलीबारी, 1 की मौत, 5 घायल। बक्सर में दिव्यांग की पीट पीट कर हत्या, लाश को कुएं में फेंका। मुंगेर में साजुआ गांव में होली खेलना है गुनाह, पूरे फागुन माह नहीं बनते हैं पूरे पकवान, कहते हैं ऐसा करने पर कोई न कोई विपदा आ जाती है। और अंत में स्पेशल रिपोर्ट। क्या आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा लिया है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की है। अगर आप 31 मार्च तक ऐसा नहीं करते तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके अलावा आयकर कानून के तहत आपको ₹1,000 जुर्माना देना पड़ेगा। बिहार टेक्स के मॉर्निंग टॉप हेडलाइंस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, देखते रहिए बिहार टेक्स। नमस्कार।